दुल्हन की शादी होने वाली है, मैं शादी कर रही हूँ। इस्लामिक फैन दिस इज मी आदिल अनवर। तो यार काफी लोग सवाल कर रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना एक सवाल, कोई नहीं कर रहा था, तुम जवाब दो। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ सवाल कर रही थी, मैंने जवाब देने हैं। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं व्लॉग बनाने का, जबरदस्ती बिठाया मैं इसलिए कि व्लॉग बनाना यार, इसलिए इसका मूड नहीं है क्योंकि ये जाने लगी। आप लोग भी कहते होंगे कि यार शुगर लगाया हुआ है, जा नहीं रही, बड़ा मुंह आता जा रहा है हर दफा कैमरे में। तो यार ये लास्ट मुलाकात है हमारी, तो हम दोनों बहुत दुखी हैं। जान छुट्टी मेरी से, मैं इमोशनल बात बता रहा हूँ, इमोशनल ये है, इमोशनल होने वाला। तो यार आप लोग काफी सवाल पूछ रहे थे, तो पहला सवाल अभी लैन बताने लगी है आपका और हम देने लगे आपके सवालों के आज जवाब। ये हमारा आखिरी Q&A है, फिर ये जा रही है। पहला सवाल ये है कि हम किस एक्स की शादी में गए थे। मेरी कितनी एक्स थी वो, मतलब कितने नंबर वाली एक्स कौन सी थी यार, मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये मिली थी उससे। मैं तो कुछ पेड़ मारी है मुंह के ऊपर यार, ये मिली थी इससे। तू अगर तेरी जान छूट गई तो तूने दोबारा से क्यों बुलाया, वो भी पागल थी, एक अच्छी वाली जान छूट गई है एक बंदे थप्पड़ मारा मैंने उसको, फिर रो पड़ी, फिर कहती है अच्छा आज के बाद मैं इसको फिर उसके बाद मैंने इसको भी डंडा मारा, मैं सर पे, मैंने सर पे डंडा मारा, तब से मुझे अकल आ गई हुई है। दूसरा सवाल गर्लफ्रेंड की, आप बताओ कमेंट में एक्स गर्लफ्रेंड की शादी पे जाना चाहिए कि नहीं। यार चाहे बंदा अगली मुलाकात होती है, रोटी सबसे ज्यादा तुमने खाई ठीक है, अभी आपको दिखा रही है सबसे ज्यादा रोटी इसने खाई है, दो शॉपर पैक करके भी लाई थी, ड्रामे कर दी। तो लड़की ने मुझे जाते हुए दे दिए कि अब बहना ये जाते हुए बाप, उसने कहा शक्ल से अब गरीब लग गई, ये ले जो रात की रोटी। ओ हेलो, नेक्स्ट सवाल तेरी चमचियों से, नेक्स्ट सवाल ये कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यार ये कहाँ जा रही है, ऑस्ट्रेलिया। यार ये ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया काम करने नहीं है जा रही है ऑस्ट्रेलिया, ये स्टडी के सिलसिले में जा रही है। झूठ बोल रहा है, मैं स्टडी के लिए भी नहीं जा रही, मैं घूमने जा रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ जान चुरानी थी, तो मैंने कहा मैं 2-3 सालों के लिए जाऊँ ताकि मुझे सुकून मिले। मुंह पे पिस्ती करती जा रही है, कोई बंदा लिहाज कर लेता है। आज आखिरी दिन है ना, तो मैं क्यों लिहाज करूँ, जो सच है वो सच है। तो आप कहते हो मुझे इसका इतना बड़ा मुंह क्यों है भाई, यार इसमें ना इसके मुंह में गैसी गुब्बारे जो होते हैं ना, वो वाली गैस भरता हूँ मैं। ये मेरी बिस्ती कर रहा है, आड़ी मुलाकात है ना, खुद कह रही बिस्ती कर लो। और लोग पूछ रहे थे कि मेरे जाने मतलब ललैन के जाने के बाद आदिल का क्या होगा, तो आदिल का क्या एज यूजुअल न्यू गर्लफ्रेंड बनाएगा, ठीक है डेली का वही ड्रामेबाजी, आज ये गर्लफ्रेंड बन गया, आज वो गर्लफ्रेंड बन गया, जिसको मैंने तुम ये कह रही हो मैं रोज जीआर चेंज करता है, कमेंट में बताओ ये डेली गर्लफ्रेंड। नहीं यार मैं बहुत अच्छी, ये डेली गर्लफ्रेंड चेंज करता है कि नहीं। यार मैं फ्लर्टी बॉय बहुत ज्यादा था लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। आपको लगता है अभी 3 दिन पुराना इसने व्लॉग लगाया माय थर्ड गर्लफ्रेंड, ठीक हो गए तुम, वो तो एक चीज है ना। यार ये बिस्ती करती जा रही है, तुमने नहीं क्यों करना, उसी तरह बता दो। क्योंकि मैं सर फट गया सुबह से कुछ खाया, तुम्हें रोटी खिलाने लेके तुम आयो, पिज्जा खिलाने लेकर आया, बैग भी मेरा 40 इंच का पीस इसको मैंने पिज्जे का खिलाने। अच्छा एक सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या ललैन की शादी हो रही है इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो यार आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, ललैन की शादी होने वाली है, मैं शादी कर रही हूँ, दुखी बात है, अच्छी बात है, मैंने हंसना या रोना है, हंसना है, मैं तो हंस रही हूँ क्योंकि मेरी शादी हो रही है और इससे जान छुट रही है मेरी। अब आप लोग कहते हैं ना मैं इसका ब्लॉग बनाती हूँ, उसके ब्लॉग में बाबर आती हूँ, तो जब जान छुटे जाके नई नई गर्लफ्रेंड, वो तो बंदा कर लेता है, लेकिन तुम शादी कर रही हो, कब है तुम्हारी शादी, मुझे बुलाओगी यार, ये गलत है, शादी में बुलाए और मैं ब्लॉग तो फिर बनाना मेरा बनता है, देख रहे हैं आप लोग क्या लगता है, मैं आप लोग क्या लगता है कि मुझे इसको अपनी शादी में बुलाना चाहिए कि नहीं। आप लोग कमेंट्स में बताना, ललैन की शादी हो रही है और ललैन की शादी कब है ये आपको मैं बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में भाई, किसी और लड़की के साथ है ना। तो यही ना, तो यार अब बस आज मूड नहीं है कोई भी, कोई दुखी हूँ मैं बहुत ज्यादा, लाइन जाने लगी है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।